यूपी की 9, उत्तराखंड की 1 सीट पर हुआ मतदान खत्म। यूपी की कुंदरकी सीट पर सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। कुंदरकी में 57.32% वोटिंग, करहल में 53.92%, कटहरी में 56.69% मतदान। वहीं सीसामऊ सीट की बात करो तो यहां पर करीब 49% के आसपास मतदान हुआ है। मझबा सीट में 50% मतदान हुआ है। मीरापुर सीट की बात करें तो यहां पर 57% मतदान हुआ है और खैर में 46.35% मतदान हुआ है। फूलपुर में 43.43% वोटिंग हुई। सबसे कम गाजियाबाद में 33.30% मतदान हुआ है। केदारनाथ सीट की बात करें, उत्तराखंड की 1 सीट पर भी उपचुनाव था केदारनाथ सीट, जहां पर 56.78% मतदान हुआ है। तो यूपी में सबसे कम गाजियाबाद में 33.30% मतदान। हालांकि वोटिंग खत्म जिस तरीके से इसके बाद जो आंकड़े आए हैं वो आपको बता रहे हैं। यूपी की 9, उत्तराखंड की 1 सीट पर मतदान, कुंदरकी सीट पर सबसे ज्यादा करीब 57%, करहल में करीब 53%, सीसामऊ में करीब 49%, मझवा में 50%, मीरापुर में 57% के करीब, खैर में 46%। वहीं केदारनाथ उत्तराखंड की एकमात्र सीट 56.78% मतदान। तो सबसे कम गाजियाबाद में मतदान हुआ है, 33.30% मतदान हुआ है। मझवा में 5 बजे तक की बात करें तो करीब 46 के आसपास मतदान हुआ है। खैर में 5 बजे तक 46.55% मतदान हुआ और करहल में 53.9% मतदान हुआ है। कटहरी में 56.69% मतदान। सीसामऊ हॉट सीट थी कानपुर की, 49% के आसपास यहाँ भी मतदान हुआ है। मीरापुर में 57% के आसपास मतदान, खैर में 46% के आसपास मतदान हुआ है। उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर भी अच्छा खासा मतदान हुआ है, लेकिन सबसे कम मतदान गाजियाबाद की सीट, जो कि बीजेपी का एक तरह से कहें तो गढ़ माना जाता है। इस सीट पर मतदान कम होने की आखिर वजह क्या थी और जो मतदान कम हुआ है, इस मतदान कम होने का नुकसान किसे होगा, फायदा किसे होगा, यह भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो शाम 5 बजे तक के ये आंकड़े हैं। सुबह 7 बजे से 5 बजे तक मतदान हुआ है। यूपी की 9, उत्तराखंड की 1 सीट पर मतदान संपन्न हुआ है। आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो फूलपुर की बात करें तो करीब 43, यहां भी एक तरीके से कहा जाए कम, सबसे कम जो है वो गाजियाबाद में। उम्मीद नहीं थी कि गाजियाबाद वासी जो कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने बूथ तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई, जो आंकड़े सामने आए, उससे यही जाहिर होता है। करहल करीब 53, कटहरी की बात करें तो करीब 56। बड़ी खबर कुशीनगर।